आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे कभी असली सुख नहीं मिला और कुछ दिनों के दरमियान उसे वो सुख तो मिलता है लेकिन तभी पता चलता है कि वो एक भूत है। अब उस लड़की के साथ आगे क्या क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम डांटे था। एक दिन काम पर जाते वक्त डांटे के सिर में बहुत दर्द होने लगता है जिस कारण से वो मर जाता है। दूसरी तरफ क्लोरिया और उसकी दोस्त सैंड्रा दिखाई जाती है जो कि एक बुक स्टोर में काम करती थी। ग्लोरिया को अक्सर काम पर नींद आती थी इसलिए सैंड्रा ग्लोरिया से पूछते है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस कारण से तुम्हें हमेशा काम पर नींद आती है। ग्लोरिया बोलती है कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती है उसके ऊपर वाले कमरे में एक कपल रहता है और वो रात को जब मस्ती करते है तब जोर जोर से चिल्लाते है और उस आवाज की वजह से वो रात भर सो नहीं पाती। इस पर सैंड्रा बोलती है कि तुम्हें भी यही चाहिए मतलब कि तुम्हें भी किसी के साथ मस्ती करनी चाहिए और ये सब होने के बाद तुम भी एक छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद सो पाओगी। और ये सब सैंड्रा ग्लोरिया से इसलिए बोलती है क्योंकि ग्लोरिया अकेली थी और उसे चरम सुख के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसी वक्त स्टोर में एक कपल आता है उन्हें अच्छे पेरेंट्स कैसे बनते हैं इस बारे में एक किताब चाहिए थी। ग्लोरिया उन्हें एक किताब देते हुए पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वो लेडी बोलती है कि हाँ। उस किताब की कीमत देखकर वो सोचते हैं कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते यानी कि किताब बहुत महंगी थी। ग्लोरिया सोचती है कि उन्हें इस किताब की काफी जरूरत है इसलिए ग्लोरिया उस किताब को थोड़ी फाड़कर उस कपल के पास जाती है और बोलती है कि ये तो फटी हुई है इस वजह से इसे कोई भी नहीं खरीदेगा तुम इसे फ्री में रख सकते हो। वो कपल ग्लोरिया का शुक्रिया अदा करते हैं। बाहर एक आदमी उस कपल का फोटो खींचता है वो देखकर ग्लोरिया सोचती है कि उसे भी एक दिन ऐसे ही फोटो खिंचाना है। तभी वहाँ पर सैंड्रा आकर बोलती है कि तुम जो सोच रही हो इसके लिए तुम्हें पहले अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना होगा। आगे काम से घर जाने पर ग्लोरिया हिम्मत करके अपने ऊपर वाले रूम में रहने वाले कपल के यहाँ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम जो रात को दंगल करते हो उसकी आवाज को थोड़ा कम करो क्योंकि तुम्हारी आवाज की वजह से मैं सो नहीं पाती। और जब रात को ग्लोरिया सोती है तब सब पहले के जैसा ही था। ग्लोरिया की रिक्वेस्ट का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ था। इससे परेशान होकर अगले दिन ग्लोरिया अपना रूम बेचने के लिए एक एजेंट से मिलती है और अपने काम पर बुक स्टोर जाती है जहाँ पर ग्लोरिया सैंड्रा से बोलती है कि मैं अपना घर बेच रही हूँ और नया घर मिलने तक क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रह सकती हूँ। सैंड्रा बोलती है कि तुम एक काम करो एक महीने पहले मेरे बॉयफ्रेंड के कजन की मौत हो गई है और वो जहाँ रहता था उस जगह का मालिक उसके रूम को कम पैसों में किराए पर देने के लिए तैयार है। इस पर ग्लोरिया बोलती है कि नहीं मैं वहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि वहाँ पर एक मौत हुई है। लेकिन सैंड्रा कैसे तैसे करके ग्लोरिया को मना लेती है। ग्लोरिया अपना सभी सामान लेकर वहाँ पर शिफ्ट होती है। वो वहाँ पर एक फोटो देखती है जो कि डांटे की थी मतलब कि जो वहाँ पर रहता था और जिसकी मौत हुई थी वो डांटे था। सभी सामान रखकर ग्लोरिया सैंड्रा के साथ एक क्लब जाती है। वहाँ पर सैंड्रा तो काफी मजे करती है लेकिन ग्लोरिया को वहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था इसलिए ग्लोरिया घर जाती है और जैसे ही वो लाइट ऑन करती है वैसे ही अपने आप लाइट बंद हो जाती है। ग्लोरिया सोचती है कि ऐसे कैसे हो गया इसलिए चार पांच बार लाइट ऑन ऑफ करती है और सोने जाती है। तभी अचानक से टीवी अपने आप चालू होती है इससे ग्लोरिया काफी चौंक जाती है। ग्लोरिया के देखने पर पता चलता है कि टीवी की पिन भी स्विच के बाहर है फिर भी टीवी ऑन कैसे है और उस वक्त ग्लोरिया के साथ कुछ भूतिया चीजें होती है इससे ग्लोरिया काफी डर जाती है। अगले दिन ग्लोरिया डॉक्टर के पास जाकर इन सब चीजों के बारे में बताती है साथ ही ये भी बताती है कि वो पहले जहाँ रहती थी वहाँ पर ठीक से सो नहीं पाती थी इसलिए वो नए जगह रहने गई लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ ऐसी घटना हुई। डॉक्टर बोलता है कि तुम ठीक से सो नहीं पाती इस वजह से तुम्हें वहम हो रहा है। इतना बोलकर डॉक्टर ग्लोरिया को नींद की गोलियाँ देता है। उसी रात ग्लोरिया नींद की गोली खाकर सो जाती है और कुछ देर बाद फिर से वहाँ की चीजें अपने आप गिरने और उड़ने लगती है लेकिन नींद की गोली की वजह से ग्लोरिया गहरी नींद में थी। तभी कुछ ऐसा होता है कि कोई ग्लोरिया के बिस्तर में जाकर उसे नीचे से सहलाता है यानी कि वो डांटे का भूत था जो ग्लोरिया के साथ ये सब कर रहा था। ग्लोरिया नींद में रहकर इन सब का आनंद ले रही थी क्योंकि ऐसा अनुभव और ऐसा ग्लोरिया के लिए नया था। कुछ देर बाद नींद खुलने पर ग्लोरिया चिल्लाती है कि उसके साथ उसके बिस्तर में कोई है लेकिन चादर हटाने पर वहाँ कोई नहीं होता इससे ग्लोरिया काफी डर जाती है। उस वक्त फिर से वो भूत ग्लोरिया की टांगे फैलाता है और शुरू हो जाता है। अब ग्लोरिया भी इन सब का मजा ले रही थी। दूसरी तरफ से वहाँ के मकान मालिक ग्लोरिया से उसका हालचाल पूछते है क्योंकि ग्लोरिया पहले चिल्लाई थी लेकिन ग्लोरिया बोलती है कि वो ठीक है और कुछ देर बाद ग्लोरिया को संतुष्टि मिलती है जिससे वो शांति से गहरी नींद सो जाती है। अगले दिन एक आदमी जिसका नाम एंजल था वो एक बुक लेने ग्लोरिया के पास आता है लेकिन वो बुक खत्म हो गई थी। ग्लोरिया बोलती है कि तुम मुझे अपना नंबर दो जैसे ही वो बुक आएगी मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। एंजल अपना नंबर देता है और ग्लोरिया से नंबर मांगता है। ग्लोरिया उसे बुक स्टोर का नंबर देती है लेकिन एंजल बोलता है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए मुझे तुम काफी पसंद आई और मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ।
थोड़ी देर सोचने के बाद ग्लोरिया अपना नंबर दे देती है। दूसरी तरफ से बुक स्टोर का मालिक ये सब देख रहा था। वो जाकर ग्लोरिया पर चिल्लाता है कि तुम काम पर ये सब नहीं कर सकती, ध्यान रखो कि ऐसा दोबारा ना हो। आगे ग्लोरिया स्टोर बंद कर जा रही थी, तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो अंधी थी। उसे अपने दोस्त के लिए एक किताब चाहिए थी। ग्लोरिया उसे स्टोर में लेकर जाती है। उनकी बातचीत के बीच ग्लोरिया पूछती है कि क्या तुम पहले से ऐसी हो या फिर बाद में कुछ हादसा हुआ। लेडी बोलती है कि मैं पहले ठीक थी, लेकिन कुछ सालों बाद एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इतना बताते हुए वो लेडी ग्लोरिया को छूने लगती है, मतलब कि उस लेडी को लड़कियां पसंद थी और जिसके लिए वो बुक लेने आई थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसी रात ग्लोरिया जब काम कर रही थी तब फिर से डांटे का भूत आता है और ग्लोरिया को छूने लगता है, और कुछ देर बाद फिर से वो ग्लोरिया को संतुष्ट करने लगता है। ग्लोरिया चिल्ला चिल्ला कर इस सब का मजा लेती है, और फिर से ग्लोरिया की आवाज सुनकर मकान मालिक ग्लोरिया का हालचाल पूछते है, जिन्हें फिर ग्लोरिया बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और इतना बोलकर ग्लोरिया अपना मूवमेंट एंजॉय करती है। अगले दिन ग्लोरिया एंजल को कॉल करती है कि तुम्हारी बुक आ गई है, और फिर दोनों डेट पर जाते हैं। वहाँ पर कुछ बातचीत के बाद दोनों ग्लोरिया के घर जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर डांस करने के बाद दोनों किस करते हैं। और ये सब देखकर डांटे का भूत गुस्से में उनके सामने वाला शीशा तोड़ता है। इससे एंजल काफी डर जाता है, और ग्लोरिया समझ जाती है कि डांटे को ये सब पसंद नहीं आया, इसलिए कुछ बहाना बनाकर ग्लोरिया एंजल को उसके घर भेजती है। रात को सोते हुए ग्लोरिया डांटे के भूत का इंतजार करती है, लेकिन भूत ग्लोरिया से नाराज था इसलिए वो नहीं आता। इससे परेशान होकर ग्लोरिया उसे सभी जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। इसलिए अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे डांटे के बारे में सब कुछ बताती है, मतलब कि हर रात डांटे ग्लोरिया के साथ जो कुछ भी करता था उसकी ग्लोरिया को आदत हो गई थी। तांत्रिक ग्लोरिया को कुछ चीजें लाकर अपने कमरे में रखने को बोलती है। उसी रात ग्लोरिया सभी चीजें अपने बेडरूम में रखकर आराम से बेड पर लेटकर डांटे का इंतजार करती है, और दूसरी तरफ से वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ती है और उनकी मेहनत सफल हो जाती है। डांटे का भूत लौट आता है और ग्लोरिया के साथ पलंग तोड़ मस्ती करता है। दूसरे दिन सैंड्रा देखती है कि ग्लोरिया काफी खुश रहने लगी है, और इसकी वजह ग्लोरिया ने उसे नहीं बताई, इसलिए सैंड्रा ग्लोरिया से इस सब के बारे में पूछती है। ग्लोरिया बोलती है कि मैं तुम्हें बता भी दूं तो फिर भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। इसके बावजूद भी सैंड्रा के पूछने पर ग्लोरिया बताती है कि मेरी इस खुशी के पीछे एक भूत है। वो भूत के साथ खाती है, पीती है, बातें करती है और रात को मस्ती भी करती है, और उसने कुछ नया भी ट्राई किया। उसने उस अंधी लेडी के साथ भी भूत के साथ मिलकर मस्ती की, और मैं अब उस भूत से प्यार करने लगी हूँ। आगे जब ग्लोरिया घर आती है तब देखती है कि डांटे ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। वो मैसेज कुछ ऐसा था कि मेरा समय आ गया है, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इससे ग्लोरिया का दिल टूट जाता है, और डांटे के बिना उसे नींद नहीं आती। नींद के लिए वो गोली खाना शुरू करती है, साथ ही काफी डिप्रेशन में चली जाती है। ग्लोरिया एक दिन फैसला करती है कि वो ये घर छोड़कर वापस अपने घर जाएगी, क्योंकि जब तक वो इस घर में रहेगी तब तक उसे डांटे की याद आती रहेगी। एक दिन ग्लोरिया जल्दी अपने काम से कहीं जा रही थी, तब उसे डांटे दिखाई पड़ता है। ग्लोरिया उसके पीछे भागती है, लेकिन वो तो बस एक वहम था, और ग्लोरिया उसके पीछे रास्ते के बीच में खड़ी थी। तभी एक ट्रक तेजी से ग्लोरिया की तरफ आता है। उसी वक्त लकीली बुक स्टोर का मालिक गुस्तावो ग्लोरिया को बचा लेता है, और आगे वो दोनों डिनर करने एक होटल जाते है। जब गुस्तावो पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, ग्लोरिया बोलती है कि मैं अब कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ, और शायद मैं ये बुक स्टोर की नौकरी भी छोड़ दूँ। आगे गुस्तावो ग्लोरिया को घर छोड़ने जाता है। ग्लोरिया उसे घर में इनवाइट करती है और अपना घर दिखाती है। घर देखने के बाद गुस्तावो ग्लोरिया से बोलता है कि तुम बुक स्टोर छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। इतना बोलकर गुस्तावो ग्लोरिया की मर्जी के बगैर उसे किस करता है। ग्लोरिया गुस्तावो को आगे बढ़ने से रोकती है और बाहर भेजती है। ग्लोरिया सोने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके ऊपर वाले रूम के कपल की आवाज सुनकर वो सो नहीं पाती, और इससे ग्लोरिया को डांटे के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। ग्लोरिया उसी वक्त डांटे के घर जाती है और खिड़की तोड़कर अंदर जाती है। ग्लोरिया डांटे की फोटो लेकर सोते हुए डांटे के बारे में सोचती है, और बाद में बाथरूम में जाकर कई सारी नींद की गोलियां खाती है। ग्लोरिया जब अपनी आंखें खोलती है तब वो स्वर्ग में थी। वहाँ पर वो डांटे से मिलती है, लेकिन वो डांटे को हग नहीं कर पाती क्योंकि ग्लोरिया पूरी तरह मरी नहीं थी। ग्लोरिया डांटे से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटे से गांव में जन्म लेना चाहती हूँ, जहाँ पर हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। डांटे बोलता है कि नहीं, मैं एक अमीर घर में जन्म लेना चाहता हूँ, और मैंने यही चुना है। इतना बोलकर डांटे पुनर्जीवन लेने चला जाता है। दूसरी तरफ ग्लोरिया उल्टी करती है, और जो भी गोलियां उसने खाई थी वो सब बाहर निकल जाती है। आगे ग्लोरिया पूरी तरह डांटे को भुला देती है और गुस्तावो से प्यार करने लगती है। वो दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। इससे भी आगे ग्लोरिया और गुस्तावो एक दूसरे से शादी करते हैं, और ग्लोरिया अपना खुद का बुक स्टोर खोलती है। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे,
तब एक लेडी कार में घुसता उसे एड्रेस पूछती है और ग्लोरिया देखती है कि उस कार में एक बच्चा है जो ग्लोरिया को हेलो करता है और वो बच्चा डांटे था। उनके जाने के बाद ग्लोरिया गुस्ताव से बोलती है कि हमें भी अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उतने में ही वही फोटोग्राफर आता है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो ग्लोरिया और गुस्ताव की फोटो लेता है और वो फोटोग्राफर कोई मामूली फोटोग्राफर नहीं था। वो सभी कपल्स की फोटोज लेकर स्वर्ग में जाता है जो कि बच्चे के बारे में सोच रहे थे जिससे कि वो मरे हुए लोगों का पुनर्जन्म कर सके। तो ये थी घोस्टिंग ग्लोरिया इस मूवी की कहानी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी के जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके जाने से उसे भी अपना जीवन अधूरा सा लगने लगता है, लेकिन उसे भी अपनी जिंदगी में सच का सामना कर आगे बढ़ना चाहिए जैसा कि ग्लोरिया ने किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।